हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। और हालत कुछ ऐसा है, मतलब बारिश बहुत तगड़ा हो रहा है और अभी मैं अपने ऑफिस से आ रहा हूँ, मतलब ट्रिपल सी सर से मिलके कुछ लीव का बात करना था। और कुछ ऐसा है कि मेरा LR ड्यू हो गया है। LR क्या होता है वो मैं रूम पे जाकर समझाता हूँ। हाँ, इतना जान लो कि अभी मैं एक घंटे में रेडी होकर औरंगाबाद के लिए LR निकल रहा हूँ और बारिश में भीगते हुए रूम पे जा रहा हूँ ऑफिस से। तो प्रॉपर अच्छे से समझाता हूँ रूम पे जाके मिलकर। ये दिखा रहा था कि मैं जब निकलता हूँ तो बारिश होने ही लगता है, ये श्राप अभी तक खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो हाँ फाइनली समझाने वाला था क्या मैं कि हाँ तो क्या समझाने वाला था मैं कि LR क्या होता है। तो देखो, मान लो कि जैसे मैं गाड़ी लेके जाता हूँ निजामबाद, परली और औरंगाबाद, तो ये तीन डायरेक्शन में हमेशा जाता हूँ। अगर क्या हुआ बाई चांस कभी 3 महीने तक इस डायरेक्शन में अगर मेरा ड्यूटी नहीं लगता है तो उसको बोलते हैं कि LR ड्यू हो गया। 3 महीने के बाद फिर बिना एक बार ऐसे ही इंजन में बैठ के जाना होता है, ये होता है LR, समझे। तो वही करने में तो देखो फाइनली बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि मेरे स्टेशन पे पहुंचने के बाद बारिश स्टार्ट हुआ है। तो देखो अभी क्या है कि पुणे एक्सप्रेस है हमारा, जो नांदेड़ साइड को हमको पता होगा कि पुणे गाड़ी है। चलो सिग्नल मिला नहीं, हॉर्न क्यों मार रहा है। तो पुणे में इंजन में बैठ के जाना होता है। ये जो गाड़ी है ये जा रहा है यार्ड में रखने के लिए, मतलब इसको रख दिया जाएगा और बाद में जब दूसरा गाड़ी बन के जाना होगा तो इसको निकाला जाएगा। तो अभी मेरा कहने का मतलब क्या है कि पुणे में मैं इंजन में बैठ के जाऊंगा, पूरा सिग्नल्स देखते हुए, क्योंकि क्या होता है 3 महीने बाद में सिग्नल वगैरह भूल जाता है ना, तो वो जरूरी है। तो चलो साइन ऑन करते हैं और मिलते हैं सीधा औरंगाबाद में, क्योंकि इंजन में वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं भाई साहब 2-3 महीने से नहीं आया, लॉबी चेंज हो गया। मैं पुराने वाले लॉबी के पास जाके कंफ्यूज कि साला लॉबी कहाँ चला गया। वो भी आजू बाजू नहीं, पहले स्टेशन के अंदर था, जस्ट इसके पीछे था, लेकिन अभी इधर हो गया, इधर पार्किंग साइड में। तो भाई औरंगाबाद में बहुत कुछ चेंज हो चुका है और स्टेशन तो सेम टू सेम ही है। स्टेशन में कोई चेंज नहीं। हाँ बस 20 मिनट तक मैं कंफ्यूज था कि भाई अब करूं क्या, लॉबी नहीं दिख रहा है, कहाँ जाऊं। तो अभी मैं साइन ऑफ कर चुका हूँ, औरंगाबाद में आ चुका हूँ। एवले का चाय वाय पियेंगे, जो लोग इधर के होंगे वो लोग जानते होंगे कि एवले चाय इधर का फेमस है। तो मैं लॉबी से जाते टाइम सबसे पहला शब्द मैं यही बोला कि भाई रनिंग रूम तो चेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि रनिंग रूम इधर थोड़ा सा हटके है। तो रनिंग रूम चेंज नहीं हुआ, बस लॉबी चेंज हो गया, जिसके चक्कर मैं परेशान पागल हो रखा हूँ। तो ठीक है, चेंज वेंज करके चाय वाय पी के मिल। खाली तो है। तो देखो ये बेड एक यहाँ पे सिस्टम है, पहले से लगा के रखते हैं, आराम से आओ और रेस्ट करो। तो ठीक है, चेंज वेंज करके आराम से खाना वाना तो खाना है नहीं, मैं घर से लाया था तो खा लिया हूँ। तो सुबह निकलना है, तो देखते हैं अगर कोई चाय वाय पीने जाने बोले बाहर तो फिर से चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अभी लेट यूनिफॉर्म चेंज कर लेते हैं। जैसे हम लोग पूरा ही फ्रेम में आ रहे हैं, वो सब चल सब होता है उसमें, वो सब और फास्ट फॉरवर्ड और स्लो में कुछ लैग नहीं करता वीडियो, वो FPS के ऊपर रहता है, रिकॉर्डिंग के FPS के ऊपर। रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे ना उसके पास, चलेगा क्या? वो डोसा अच्छा देता है ना। तो देखो भाई हमारा हो चुका है अब जाने का टाइम, मतलब सचखंड एक्सप्रेस है, उधर से आए थे पुणे में और जाना है सचखंड में। और क्या हो कि एक 777-8 करके गाड़ी है, वो लगभग 8 बजे के आसपास रहता है, तो मैं उस टाइम सोता ही रह गया।
लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इससे जाएंगे तो 1:30 बजे का इसका टाइमिंग है, उसका 2-3 बजे का है, तो वो लेट ही जाता है, वो पैसेंजर हर जगह रुकते जाता है। तो एलआर में क्या है कि आप किसी भी गाड़ी में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं रहता। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, नहीं तो पिछवाड़े पर लात पड़ता है उधर से, ट्रिपल से ऑफिस से, ठीक है। तो अभी सचखंड में जाना है, नाश्ता वास्ता सब कुछ कर चुके हैं, और सचखंड एक्सप्रेस से आते टाइम तो डीजल लोको था, लेकिन अभी इधर से जाते टाइम शायद इलेक्ट्रिक मतलब एसी रहेगा। तो लॉबी में कॉल कर चुका हूँ मैं, बोलना पड़ता है कि भाई एलआर वाला भूल जाता है, उन लोगों को लॉबी वालों को मतलब नहीं रहता, जब गाड़ी लेकर जाना होता है तो उन लोगों को मतलब रहता है कि टाइम पे नहीं है, और अभी कुछ भी करो तुमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उन लोगों को। तो हाँ, 11 बजे तक मैं इधर से निकलूँगा और 2:30 बजे तक उधर पहुँच जाऊँगा। तो चलो रेडी वेडी होकर निकलेंगे अभी थोड़ी देर में। तो मैं इतना जल्दी में रेडी और भाग इसलिए रहा हूँ कि मेरा ट्रेन जिसमें जाना था वो दिखा रहा था कि 10:40 पे आ रहा है, और अचानक से मैंने देखा तो पता चला ट्रेन 2 स्टेशन पहले है, तो ये भी ना छूट जाए इसलिए मैं भागा भागा भी जा रहा हूँ। कॉल कर दिया हूँ कि हाँ आ रहा हूँ। सर, मुझे लगा उसका अनाउंसमेंट हो गया क्या, नहीं उसका अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। तो हाँ, वेयर इज माई ट्रेन के चक्कर में लफड़ा हो गया, लेकिन मैं पहुँच जाऊँगा, तो जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है, ठीक है। साइन ऑन करके सीधा मिलते हैं पूर्णा में एलआर कंप्लीट करने के। तो देखो एसी लोको हो और एसी चल रहा हो झमाझम, तो वर्किंग करने का मजा ही अलग रहता है। तो फाइनली आ चुके हैं अपने ये पूर्णा स्टेशन के लेजेंडरी ब्रिज पे, जहाँ मैं हमेशा वीडियो बनाते रहता हूँ। तो एलआर समझ चुके होंगे कि हाँ 3 महीने से ज़्यादा जब एक डायरेक्शन में ड्यूटी नहीं लगता तो एलआर लिया जाता है लोको में सिग्नल ध्यान रखने के लिए, ठीक है। ये वाले ब्लॉग को यहीं पेंट करेंगे, लाइक वाइक करने का मन होगा तो कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने का मन होगा तो भी कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।